सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग में। आज इतने दिनों बाद कि लगभग एक डेढ़ महीना हो गए मैंने कोई भी अपनी माइनक्राफ्ट वीडियो नहीं अपलोड करी है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो ये शुरुआत है एक इस साल का पहला भाग माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग का, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना जो घर है वो पूरा तो कंप्लीट नहीं किया है, नहीं कि लगभग कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा उसको रिनोवेट कर लिया है, और अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे नए घर की तरफ। नया घर मतलब वही पुराना पर थोड़ा सुसज्जित। तो ये देखिए बहुत सारी गाय, और ये मेरा नया माइनक्राफ्ट में मैंने थोड़ा इसको रिनोवेट करा है, थोड़ा जगह बढ़ाई है, बनाई है, मुर्गी को अंदर आने देते हैं। गुड, देखिए ये तो पुराना था जो मैंने पहले मैंने पुराने भाग में बना लिया था। मैंने ये प्लेटफॉर्म नया बनाया है, ये हिस्सा नया बनाया है, और बहुत सारी चीजें। गाय ज्यादा ही हल्ला कर रही है आज, तो और मैंने चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए ये रूम पहले था, मैंने ये रूम भी बनाया था, सारे बॉक्सेस बनाए थे। और एक और बात, मुझे एंडर पर्ल्स मिले हैं, क्योंकि घर को रिनोवेट करते वक्त मुझे तीन एंडरमैन को मैंने कैप्चर करा था, और उनसे हम मुझे मिले हैं एंडर पर्ल। तो जब भी आप किसी एंडरमैन को मारते हैं तो उनसे ये पर्ल मिलते हैं, एंडर पर्ल, और ये गेम फिनिश करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये है गैलरी, और मैंने थोड़े एक गमले बनाए हैं छोटे फ्लावर पॉट्स। यहाँ से हमारे मेरे घर का सामने का व्यू मिलता है, तो कोई भी अगर मॉबस्टर घुसता है हमारे, तो हम यहाँ से उससे तीर से मार सकते हैं आसानी से। तो अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो कि है ये नया वाला, ये मैंने नया बनाया है। ये देखिए ये नया रूम, यहाँ मैंने बार्स लगाए हैं लोहे के। मैं आपको बताऊंगा आगे कि बार्स को कैसे बनाते हैं। ये है बुक शेल्फ, इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक ही बुक शेल्फ बनाया है, मेरे को इसको पूरा कवर करना है बुक शेल्फ से। ये पेड़ था, आपको मालूम है मेरे घर के पास एक पेड़ था जिसे मैंने काटा नहीं, उसकी पत्तियां झड़ गई, और इसे ये मैंने यहीं छोड़ दिया है, और इसे पूरा यह टेक्सचर दिया है सीलिंग को। यहाँ एक क्राफ्टिंग टेबल है, और यह है डंजन जहाँ से हम माइनिंग करने जाएंगे अंदर हमारे आने वाले भागों में। वो ये मैंने अब हमारे घर के अंदर ही रखा है, ताकि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और हम सारा काम करके सीधे यहाँ से वापस आ जाएं हमारे घर की ओर। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये देखिए एक और प्लेटफॉर्म है, जिसे मैंने थोड़ा कांच का से थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करी है। आपको अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है। ये खजाने का बक्सा, दो एक क्राफ्टिंग टेबल, दो फर्नेसेस, और मैंने इस एरिया को पूरा कवर कर दिया है, और ये छोटी सी गैलरी। यहाँ अभी बहुत कुछ चीज़ें बाकी है मेरे घर में बनाने को, वो हम आने वाले भागों में साथ में मिलके करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि जो ईंट है, ये ईंट ब्लॉक कैसे बनाने थे। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे पिछला जो भाग है उसमें जाके देख सकते हैं, भाग नंबर 23 में, कि कैसे बनाते हैं ईंट और बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए मैं यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाना चाहता हूँ, ताकि मैं कोई इस कमरे में जाने के लिए मुझे यहाँ से ना जाना पड़े। तो चलिए हम ये काम अभी कर देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इस कांच को हम पूरा ना तोड़े, देखते हैं अगर ये पॉसिबल है कि नहीं। ऊप्स, तो हमारे पास एक दरवाज़ा तो होगा ही, मेटल डोर है, और मेटल डोर चलेगा। देखिए लगा के यहाँ लगता है, ओके। पर एक और चीज़,
जब भी आप मेटल डोर लगाएं, आयरन डोर ये वाले जैसे कि मैंने यहाँ लगाए, तो ऐसे आप नहीं खोल सकते, मैनुअली आपको एक वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, शिट क्या नाम था इसका, लेट मी सी, व्हाट अ नूब, प्रेशर प्लेट, ओके सॉरी मैं भूल गया था, प्रेशर प्लेट की जरूरत पड़ती है आपको हर बार गेट खोलने की। जैसे मैंने यहाँ दो दरवाजे लगाए हैं, तो आपको हर बार यहाँ से इसको करने के लिए आप इसको खोल नहीं सकते, कुछ जितनी भी कोशिश कर ले, आपको या तो इसके प्रेशर प्लेट लगानी पड़ेगी या लेवर जो आता है वो लगाना पड़ेगा, पर आप लीवर खोल देंगे और उसे बंद करने के लिए भी आपको दूसरी तरफ एक और लीवर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर प्लेट जो है वो ईजी वे है इसको खोलने और बंद करने का, जैसे हमने हमारे फ्रंट डोर में लगाई, तो मैंने दो दरवाजे लगाए हैं और दोनों के लिए अलग प्रेशर प्लेट, तो एक साथ प्रेस होती है और एक साथ खुलता है, वैसे ही मैंने बाहर जाने अंदर इनके बाहर जाने के लिए तो यहाँ पर भी लगाई है, तो इसलिए ये वैसे ही हम एक प्रेशर प्लेट ऊपर लगाएंगे। तो आप ध्यान रखें जब भी आप आयरन डोर बनाएं तो एक प्रेशर प्लेट लगाना ना भूलें, क्योंकि बिना प्रेशर प्लेट के आप इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, खोल या बंद नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे यहाँ गैप आ चुका है, तो कांच ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसे तोड़ दें कि क्या करें हम, ये कुछ ओप्स, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छा दिखे, कि यहाँ पर एक और डोर लगा दे, लेट मी सी, इसके बीच में कांच लग सकता है क्या, हमारे पास कांच तो पड़े ही, हमारे पास ग्लासेस पड़े ही हैं, पैनल्स नहीं पड़े, हमारे ऊपर वाले बक्से में शायद। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो नया रिनोवेटेड घर है वो पसंद आया होगा, उम्मीद तो ऐसी है, ये लगा सकते हैं यहाँ पर कांच, डे आउट मेट, चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे क्या करना चाहिए इसके लिए। चलिए हमारा दरवाज़ा तो लग गया है यहाँ पर, अब जैसा कि रात होने वाली है, तो मैंने हमारे पास ग्लोस्टोन होते पर ग्लोस्टोन जाना हमारा जान इन्हें होने के लिए आपको नेदर्स में जाना पड़ेगा, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो ये देखिए मेरा घर नया, गाय की भरमार हो चुकी है, मुझे एक गाय का जो बाड़ा है वो थोड़ा और बड़ा करना है, मुर्गियाँ मेरी एक, जब मैं घर रिनोवेट कर रहा था तो एक मॉब यानी कि वो घुस गया था, क्रीपर अंदर घुस गया था, उसने मेरा जो मुर्गी का वो है फेंसेस है वो तोड़ डाली थी और मेरी बहुत सारी मुर्गियाँ भाग गई, इसलिए अब की आबादी भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। गुड, डोंट फील सो लोनली, और मुझे गायों की आबादी तो है वैसे ठीक ठाक है अभी, तो इतनी अभी जरूरत नहीं है, पर फिर भी 1, 2, 3, 4 रैबिट भी हैं, और मुझे अब वो देखिए कहीं ना कहीं से घुस आते, क्योंकि मैंने ऊपर ट्रैप बनाया था एक कि मॉबस्टर ना घुस सके, तो मुझे और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इधर थोड़ा हल्ला हो रहा है, मैं इसको देखता हूँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम ड्यूड, कह रहा हुआ है यार, एक और आ रहा है, आ जाओ। ये देखिए ये मैंने छोटे सा एरिया छोड़ रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक ब्लैक रैबिट घुस गया है, इसको मैंने कैप्चर कर लिया है यहाँ पर। तो इस एरिया का हम आगे आने वाले भागों में क्या देखें, क्या यूज हो सकता है इसका, तो वैसे करेंगे। मेरे को घोड़े कैप्चर करने हैं, डॉगी कैप्चर करना है, जो कि एक आए मुझे डॉगी बहुत पसंद है, तो मैं एक डॉगी रखना चाहूंगा हमारे घर में, और सॉरी देखिए मैंने हमारे ऊपर चल के देखते हैं कि क्या व्यवस्था है वहां पर, ओ मुझे थोड़ा खाना लेना चाहिए,
शिट। और गधे, घोड़े, डॉगीज। ओह शिट। हेलो, जैसे मैंने यहाँ ट्रैप बनाया था तो ये देखिए फंस चुका था, पर ये जो है ऊपर से आ चुके हैं, आए थे दोनों ज़ॉम्बीज। खा लेता हूँ खाना। ये देखिए थोड़ा सा कि जो है वो यहाँ से जंप करके ना आ पाए, पर उन्होंने कर लिया, तो मुझे इससे थोड़ा और ब्रॉड करना पड़ेगा और अपनी जो वॉल है उसको थोड़ा और हाई बनाना पड़ेगा। देखिए एक बार फंसा वहां पर। ओ ये तो विलेजर, विलेजर ज़ॉम्बी है। तो ये है मेरी घर की छत। देखिए मैंने इसे ग्लास से बनाई है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा से थोड़ा लुक अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया है गैप्स में बीच में, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ग्रीन ग्रीन मकड़ी का, मकड़ी देखिए मेरे घर में घुस चुकी है। मकड़ियों का कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं पर भी चढ़ जाती है। ये देखिए इसके लिए हमें माफ करना, मेरे पास कोयला है, थोड़ा खाना पका ले हम। तो इतने दिनों बाद मेरे माइनक्राफ्ट शेड्यूल पे आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। तो और बहुत कुछ रिनोवेट करना है, हम हमारी माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे जल्दी। देखिए अब मैंने इधर प्रेशर प्लेट लगाना भूल गया हूँ, तो मुझे इधर प्रेशर प्लेट लगानी पड़ेगी क्योंकि उस तरफ नहीं जा सकता। I have wood, I don't have wood. प्रेशर प्लेट बनाने के लिए दो ब्लॉक्स ऐसे लगाएं, प्रेशर प्लेट बन जाती है आपकी। यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्लैब, मैंने हाफ स्लैब है, ये हाफ स्लैब स्लैब है। ओप्स, तो मुझे एक फुल स्टोन ब्लॉक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, शायद ये ब्लॉक ही था। ओके आई गॉट इट। उपाय है स्लेप रखिए, प्रेशर प्लेट इसके ऊपर लगाइए, ये लीजिए हो गया। गुड, नाइस। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली है, हमें बहुत सारी फसलें लगानी है। वो देखिए मकड़ियों का झुंड वहाँ पर, हमें बहुत सारी फसलें लगानी है और हमें बहुत सारे जानवरों को कैप्चर करना है और उन्हें हमारे बाड़े में लेकर आना है, ताकि हम उन्हें पाल सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें, घोड़े की सवारी कर सकें, डॉगी ला सकें, उसे टेम कर सकें। तो जब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलूँगा आप लोगों से अगले भाग में। और इतना लेट अपलोड करने की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। ओ गुड शॉट, नाइसली डन। तो उसके लिए आपसे थोड़ा पीछे हो जाऊँ, मैं तो गिरूँगा नीचे। तो जब तक के लिए देखते रहिए मेरे, अगर आपने पुराने भाग नहीं देखे हैं मेरे माइनक्राफ्ट के, तो वो देखना ना भूलिए। और मिलूंगा आप सब लोगों से अगले भाग में। जब तक के लिए मेरी तरफ से Kin22 और इंडिया गेमिंग की तरफ से, माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग की तरफ से, आप लोगों को गुड डे, गुड नाइट एंड बी हैप्पी। बाय बाय, सी या।